नमस्कार, मैं विश्वकरा, सीईओ फाउंडर ईवो ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कल एक हादसे में मौत हो गया। कंपनी में काम करते वक्त ये हादसा हुआ है और इसमें उसकी मौत हो गई है। मौत का वजह क्या है और आप कैसे इस तरह के हादसे से बचेंगे, आपको क्या करना चाहिए, ये सारे बातें मैं बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरा फेसबुक ग्रुप है, इसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आपको समय अनुसार मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हादसा बिलासपुर के करीब केवरा कोल इंडिया का एक खदान है, वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में यह हादसा हुआ है। हादसा के वक्त अप्रेंटिसशिप कर रहे युवा, तीन युवाओं की टीम उस वर्कशॉप में सस्पेंशन बल्ब को खोलने के लिए पहुंचे थे और जो बल्ब खोलने के लिए इनको बोला गया था उसके बारे में इनको जानकारी नहीं था और नहीं कोल इंडिया की तरफ से कोई भी वहां पे मैकेनिस्ट या सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं थे जो उनको ट्रेनिंग दे, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, काम नहीं कराया जाता है, जबकि वहां पे उनसे काम कराया जा रहा था। उसके दौरान जब उन्होंने बल्ब को खोला, सस्पेंशन बल्ब को खोलते समय उसको धीरे धीरे खोलना होता है, लेकिन इन्होंने जल्दी से खोल दिया, जानकारी के अभाव में एक बार में सारे बल्ब को खोल दिया, जिसके कारण हाई प्रेशर गैसेस बाहर आए और उससे धक्का खाकर वो गिर गए और उसमें कुछ जहरीली गैसें भी थी जिसके कारण वो हादसे के शिकार हो गए। एक ट्रेनी की मृत्यु हुई है और दो घायल है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। तो ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये लोग ट्रेनिंग के लिए वहां पे गए हुए थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग देने वाला कोई भी इंस्ट्रक्टर वहां पर मौजूद नहीं था। कंपनी का कोई भी वरीय अधिकारी या कंपनी की तरफ से ऐसा कोई भी गाइड उनको नहीं दिया गया था। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह हादसा कोल इंडिया के केवरा खदान में घटित हुई है और इसमें एक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु की मृत्यु हो गई है। इस हादसे को लेकर एक जांच टीम बैठाई गई है और जांच किया जा रहा है और पहली ही नजर में यह पाया गया है कि अब कोल इंडिया का जो केवरा खदान है वहां के जितने भी अधिकारी हैं इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये हादसा नहीं मौत है और मौत के बस एक ही कारण है कि वहां पर उन लोगों से काम कराया जा रहा था, ट्रेनिंग देने के बजाय उनसे काम कराई जा रही थी, जिस तरह से इस पेपर में बताया गया है। जो वहां पे अधिकारी मौजूद है जांच के लिए वो इस तरह के न्यूज बता रहे हैं कि वहां पे जो हादसा हुआ है उसका मुख्य कारण था कि अप्रेंटिसशिप कर रहे युवाओं को उसके बारे में जानकारी नहीं था और कोई भी वहां पे कोई अधिकारी कंपनी की तरफ से मौजूद नहीं था और इनको डायरेक्टली काम पर लगा दिया गया था, जिसमें जानकारी के अभाव में इन लोगों की हादसे का शिकार हो गए और एक प्रशिक्षु की मृत्यु हो गई है। अब ऐसे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा, आप सावधान, लेकिन वहां पे ट्रेनिंग देने के बजाय आपसे काम लिया जाता है और काम वैसा लिया जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, आपको प्रेशराइज किया जाता है कि नंबर आपका कट जाएगा, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होने देंगे इत्यादि, बहुत तरह के आपसे इस तरह के प्रेशर बनाए जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी के बारे में बताता हूं कि कभी भी किसी भी कंपनी में काम करने जा रहे हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं, चाहे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, चाहे नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, अगर उस कंपनी में सेफ्टी के रिगार्डिंग किट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो आप वहां पे काम ना करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, जीवन से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आप हादसे के शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो दोबारा से आपको जिंदा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वैसे कंपनी में काम ना करें जहां पे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जाता है। दूसरा, कहीं अगर काम कर रहे हैं जहां पे रिस्क वाला काम है वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशन जो किट होती है, अगर आपको वो किट नहीं मिलती है, चाहे किट खराब टाइप का आपको दिया जाता है जिससे आपका प्रिकॉशन नहीं हो पा रहा है, वहां पे भी काम न करें और अपने उच्च अधिकारी को सूचित करें, जो भी उस कंपनी के अधिकारी, उनको इस बात को इमीडिएटली सूचना दे कि यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं बरता जा रहा है और अकॉर्डिंग टू सेफ्टी रूल यहाँ पे हमको सेफ्टी किट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा डीजीटी का वेबसाइट पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करके वहां भी सूचना दीजिए कि इस कंपनी में हमारे यहाँ सेफ्टी का प्रिकॉशन नहीं बरता जा रहा है, ट्रेनिंग प्रशिक्षु को सेफ्टी किट नहीं दी जा रही है। दूसरे बात पे कि आपको रिलेटेड वर्क करना है, रिलेटेड वर्क का मतलब इलेक्ट्रीशियन है तो फिटर का काम नहीं करेंगे, फिटर है तो इलेक्ट्रीशियन का काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। मशीनों के बारे में नॉलेज नहीं है, टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नॉलेज नहीं है और आप दूसरे ट्रेड वाले में जाकर काम करेंगे, चाहे आपसे करवाया जा रहा है, तो निश्चित है आपकी मौत हो जाएगी। तो मौत से बचना है, उस तरह के काम ना करें, सीधे मना कर दीजिए।
अप्रेंटिसशिप से कोई बड़ी फायदे नहीं होने वाला बात नहीं है, या अगर आप अप्रेंटिसशिप करने गए तो कोई छोटा अधिकारी आपको धमका रहा था, डरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर भी अधिकारी लोग हैं। AITO संगठन है, यहाँ पे आप भी कंप्लेन कर सकते हैं, DGT में कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे संगठन है जहां पे आपके अपना बात रख सकते हैं, कोई आपका अप्रेंटिसशिप नहीं रोक सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, रिलेटेड काम करना है, मतलब जो काम आपको आता है या जिस काम के लिए आपको पढ़ाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, उसी का ही वहां पर ट्रेनिंग लेना है। अप्रेंटिसशिप आपको पता है क्या होता है, जो हम थ्योरी में पढ़े वहां पर जाकर प्रैक्टिकली देखना होता है किस तरह से काम होता है, देखना होता है, करना नहीं होता है, करके प्रैक्टिस करना होता है, न कि डायरेक्टली काम करना होता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, दूसरे के ट्रेड में, दूसरे वर्कशॉप में दूसरे के काम को कभी आप नहीं करेंगे। अगर कोई अधिकारी करवाता है तो आप इसका कंप्लेन वरीय अधिकारी को, उच्च अधिकारी को देंगे, नहीं तो DGT का हेल्पलाइन नंबर है अप्रेंटिसशिप का, वहां पे कंप्लेन करेंगे, मेल करें। भारत में बहुत सारे युवा है जो अप्रेंटिसशिप करने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप करने के चक्कर में वो खुद को भूल जाते हैं कि हमको काम क्या करना है, हमको क्या सीखना है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अप्रेंटिसशिप कभी भी अपने ट्रेड में करना चाहिए, वहां पे काम का ट्रेनिंग लेना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए जबकि आप लोग काम करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं भारत में जो अप्रेंटिसशिप युवाओं को ले जाकर डायरेक्टली काम पर ला देती है, या जो सिखाना है वो ना सिखाकर आलतू फालतू के काम करवाती है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो आप आज के बाद कसम खा लीजिए, किसी भी कंपनी में, किसी भी जगह पे बिना सेफ्टी के हम काम नहीं करेंगे। दूसरा, केवल वही काम करेंगे जिसके बारे में मुझे जानकारी हो। तीसरा, हम अपने ही ट्रेड में काम करेंगे, दूसरे ट्रेड में नहीं जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां पे एक इंस्ट्रक्टर नहीं है आपको गाइडलाइन देने के लिए, वहां पे कोई अधिकारी नहीं है, कोई मैकेनिक नहीं है जो आपको गाइडलाइन दे, तो वहां भी काम न करें, मना कर दें। क्योंकि जब तक आपको काम करके दिखाया नहीं जाता है, जब तक आपको काम करके समझाया नहीं जाता है, वैसे जगह पे काम करना अपराध की श्रेणी में आता है। और ध्यान रखें, कभी भी आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म को पढ़ लिया कीजिए, उसमें बहुत सारे टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं, उस टर्म कंडीशन को पढ़िए। अगर आपके अकॉर्डिंग वो टर्म कंडीशन नहीं है तो आप वहां पर साइन न करें। इन सब बातों को ख्याल रखेंगे तो आगे आप हादसे का शिकार होने से बच जाएंगे। और मुझे बहुत दुख है इस भाई के लिए जिनकी मृत्यु हो गई है, वापस तो उनकी जिंदगी को नहीं ला सकते, लेकिन भगवान से दुआ जरूर करेंगे कि इनकी आत्मा के शांति मिले और घर वालों को भगवान उतना साहस प्रदान करे, उतनी शक्ति प्रदान करे जिससे जीवन में फिर से खुशहाली आ जाए। तो अंतिम बार मैं कहता हूं कि अगर आपको अप्रेंटिसशिप करने में किसी ITI कॉलेज से या किसी भी तरह का कोई समस्या आ रहा है तो आप ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, इससे जुड़ेंगे तो आपको हम लोग मदद जरूर देंगे। और ये संगठन ITI या टेक्निकल छात्रों के लिए बनाया गया संगठन है, जहां पे हम लोग जॉब, अप्रेंटिसशिप, किसी भी तरह का कोई आपको मदद चाहिए, फिजिकली चाहिए या मोरल चाहिए, हर तरह का सुविधा मदद देने के लिए हम इस संगठन का निर्माण किए हैं। आप इस संगठन के अधिकारियों से बात करके इसका सदस्य बन सकते हैं, और जब आप सदस्य बनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद पहुंचाया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।